राम लल्ला जैसे जेल में बंद है और जैसे जेल में हमारे लोगों से जो रिश्तेदार मिलने आते हैं उस तरह से भक्त दर्शन कर रहे हैं। राम लल्ला का ये वनवास अब खत्म होना चाहिए, राम लल्ला का ये वनवास खत्म होना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। देश में सभी की ये मांग है कि अब तो ये 2019 के पहले राम मंदिर बने, उसका निर्माण शुरू हो। इसलिए उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना प्रमुख जल्दी ही अयोध्या में आ रहे हैं, वो भी रामलला का दर्शन करेंगे, भारी मात्रा में देश से लोग आएंगे यहाँ। ये न्यायालय का विषय अब नहीं रहा है, आज देश में केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, राष्ट्रपति भवन तक बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है। तो राम मंदिर आज नहीं बनेगा तो कब बनेगा? आप न्यायालय की तरफ उंगली मत दिखाइए, ये शिवसेना की मांग है। जैसे आपने ट्रिपल तलाक के बारे में एक ऑर्डिनेंस निकाला है, जैसे आपने SC ST एक्ट के बारे में ऑर्डिनेंस अध्यादेश निकाला है, उसी तरह से राम मंदिर निर्माण के बारे में आप एक अध्यादेश निकालिए तुरंत और राम मंदिर का कार्य 2019 से पहले शुरू करें। इधर लालू यादव का छक्का तो उधर बीजेपी के लिए धक्का। लोकसभा चुनाव पास देकर बीजेपी भले राम धुन गाने में जुट गई हो लेकिन उसकी सबसे पुरानी और भरोसेमंद सहयोगी शिवसेना को राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं लगता। ये बात गौर करने लायक है क्योंकि शिवसेना कट्टर हिंदुत्व के लिए ही जानी जाती है। एक तरफ शिवसेना कहती है कि बीजेपी से उसका रिश्ता प्यार भरा है लेकिन दूसरी तरफ कहती है कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना को अब दूसरे मुद्दे ज्यादा बड़े लगने लगे हैं। महाराष्ट्र में लगभग 15,000 किसानों ने आत्महत्या की है, बेरोजगार लोगों की फौजें खड़ी हो रही है, बिजली का संकट है, पानी का संकट है, भुखमरी का संकट है। मुझे लगता है सबसे पहले इस संकट से निपटना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले शिवसेना का ये रुख बीजेपी से बिल्कुल अलग दिख रहा है। कुछ दिन पहले नागपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को फिर से उछाला। है ना भाइयों, राम जन्मभूमि का जहाँ तक प्रश्न है, ये हमारी आस्था का सवाल है, हमारी निष्ठा का सवाल है। चुनाव करीब है, ऐसे में कहीं शिवसेना के सुर NCP की ताल से तो नहीं मिल रहे? मुंबई से प्रसाद काथे और धर्मेंद्र तिवारी के साथ महक जैन NDTV इंडिया के लिए।